Good afternoon, dear learners. I am Professor Sunil Kumar from School of Management Studies, Indira Gandhi National Open University. So I welcome you all in this session on accounting. So this is basically a second lecture under MOOCs for BCom program. So well, learners, the second lecture is based on different terminologies of accounting, and the first one is accounting as an information system, AIS. It means accounting as an information system. So this is basically when we talk about accounting as an information systems, as the name implies, iske naam se hi malum chalta hai ki accounting jo hai ek information provide karne ke liye ek system hai, information provide karne ka ek system hai, yani ki accounting jo hai wo information provide karata hai kisko, jo various stakeholders hote hain. To wo accounting jo information provide karata hai, वो प्रोवाइड कैसे कराता है और किसी सिस्टम के तहत ही अकाउंटिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है, प्रोसेस करता है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को जो वेरियस स्टेक्स होल्डर्स हैं उनको प्रोवाइड कराता है. तो उस सिस्टम के बारे में जो है आज हम बात करेंगे, अकाउंटिंग एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम. सो इट इज़ ए फॉर्मल प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग डेटा. तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है, प्रोसेसिंग द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. और फिर जब हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, फिर उनको ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द ट्रायल बैलेंस वी जनरली प्रिपेयर टू प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं तो उसको हम प्रोसेसिंग दी डेटा बोलते हैं, कि उन डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं ताकि वो एक समराइजिंग फॉर्म में आ जाए और एक कंक्लूजन वाले फॉर्म में आ जाए, ताकि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे जो है हम डिसीजन ले सकें फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन क्या है और फर्म की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है. And once the data are processed into information, then these information need to be distributed to the different users. तो अभी हमने जैसे discuss किया था कि once the informations are generated, it means कि आपके financial statements बन गए हैं, financial statements को analyze कर लिया गया है, उनको interpret कर लिया गया है, तो interpret करने के बाद जो वो informations हैं उनको जो डिफरेंट यूजर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हैं, मैनेजमेंट हैं, सप्लायर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, लेंडर्स हैं, तो उन सब को जो है वो इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट करनी होती है. देन द पर्पज ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ टू कलेक्ट द डेटा. देन वंस द डेटा इज कलेक्टेड, देन वी नीड टू स्टोर द डेटा, एंड after storing the data, this data need to be processed. Financial and accounting data and produce financial reports, informational reports that managers or other interested parties can use to make the business decisions. So very simple, जब data को collect करते हैं, data को store किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, तो ये जो सारी प्रोसेस है ये हमारी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने की पूरी प्रोसेस है. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब तैयार हो जाते हैं तो तैयार होने के बाद उनको एनालाइज किया जाता है, यानी कि इंटरप्रेट किया जाता है, और इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन, जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, जो आउटकम्स निकल के आते हैं, उन आउटकम्स को डिफरेंट यूजर्स को जो है कम्युनिकेट किया जाता है, ताकि वो उस पर्टिकुलर फर्म के बिजनेस के बारे में डिसीजंस ले सकें. पार्ट्स ऑफ एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम. तो हमारे इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के क्या क्या पार्ट्स हैं वो
मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा. सो सबसे पहला है पीपल हु यूज द सिस्टम लाइक अकाउंटेंट. सो वेरी सिंपल कि पीपल हु यूज द सिस्टम, तो सबसे पहले वो इंडिविजुअल जो अकाउंटिंग को यूज करते हैं, तो वो लोग जो हैं जो अकाउंटिंग, जैसे अकाउंटेंट हैं, मैनेजर्स हैं, सो दे आर द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. देन प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शंस आर द वेज दैट डेटा आर कलेक्टेड स्टोर्ड एंड प्रोसेस. तो जैसे ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासीफाई किया जाता है, जिसको हम डेटा स्टोर करना कहते हैं. क्लासीफिकेशन, देन बैलेंसिंग, एंड देन उन बैलेंसेज को ट्रायल बैलेंस में जो है पोस्ट किया जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड में. और एक बार जब ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो जाता है, तो फिर उस ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेज के आधार पे जो है अकाउंट्स को समराइज किया जाता है, यानी कि उनको एक शेप दी जाती है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है. तो जो डेटा हमारे पास आया था ट्रायल बैलेंस तक, हमने उसको डेटा को जो है कलेक्ट किया, स्टोर किया, और फिर उन डेटा को प्रोसेस किया थ्रू प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और जब वो डेटा प्रोसेस हो गया, तो प्रोसेस होने के बाद हमारे पास जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के तैयार हो गए. देन द थर्ड वन इज डेटा इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट गोज इनटू एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. तो ये जो डेटा अब हमारे पास रेडी फॉर्म में है, दिस डेटा इंक्लूड्स इंफॉर्मेशंस. तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, तो वहाँ से आउटकम्स निकल के आते हैं, वहाँ से रिजल्ट्स निकल के आते हैं, और उन रिजल्ट्स को आगे फर्दर जो है इन्फॉर्म किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है. तो यही जो है हमारा एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है. देन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज फॉर प्रोसेसिंग डेटा. तो यहाँ पे मैं थोड़ा ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जब सॉफ्टवेयर की बात आती है, तो पहले जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम था वो मैनुअल होता था. तो उस मैनुअल सिस्टम में, तो जो शुरू के हमने तीन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वहीं पे ही समाप्त हो जाता है. लेकिन क्योंकि आजकल हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों का ऑटोमेशन होना बहुत ही ज़रूरी हो गया था. तो अब जो है इस कंप्लीट मैनुअल सिस्टम को किसने टेक ओवर कर लिया है? अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है, जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी ने इसको जो है टेक ओवर कर लिया है. तो इसमें जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जब बात आ जाती है, तो सॉफ्टवेयर्स कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज फॉर प्रोसेसिंग द डेटा. तो आजकल ये जो सारी इंफॉर्मेशन हैं, सारा ये जो डेटा कलेक्ट करना है, या फिर आपका उसको क्लासीफाई करना है, यानी कि डेटा को स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, मीन्स अकाउंटिंग जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो सारे के सारे जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही, ये सारा काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही करता है. एंड देन इंटरनल कंट्रोल्स आर द सिक्योरिटी मेजर्स यूज टू प्रोटेक्ट द डेटा. तो जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो उस अकाउंटिंग हमारी इंफॉर्मेशंस को, उस अकाउंटिंग डेटा को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने जरूरी होते हैं. क्योंकि ये जो मशीन से हम जो काम कर रहे हैं, तो इसको, इसके लिए सेफ्टी मेजर्स भी बहुत ज़रूरी हैं. तो इसके लिए चाहे वो सेफ्टी मेजर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने होते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो कोई हाईजैक ना कर पाए, हमारे डेटा जो है वो पायरेटेड ना हो पाए, हमारे डेटा को कोई चुरा ना पाए, हमारे डेटा को कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए. तो उसके लिए जो है सिक्योरिटी मेजर्स हमें लेने होते हैं, ताकि हमारा डेटा जो है हमारे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वो हमेशा जो है सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे. देन ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग. सो वेल फ्रेंड्स, जब हम ब्रांचेज की बात करते हैं अकाउंटिंग के, तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात आती है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी हमने जैसे डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, और वो बनाते कैसे हैं, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड करने के बाद उनको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद उनको बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम ट्रायल
बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो जाते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें ये मालूम चलता है कि जो है हम कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट यूजर्स होते हैं, उनको जो है बिजनेस की जो फाइनेंशियल और जो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत ही जो है डिफरेंट यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग बट इट्स यू नो प्रेजेंट एंड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशंस टू द मैनेजमेंट इन सच ए वे दैट द मैनेजमेंट, द पर्संस हु आर सिटिंग एट द टॉप, दे आर फील फैसिलिटेटेड दैट द इन्फॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड टू दैम, द इन्फॉर्मेशंस आर प्रेजेंटेड टू दैम इन ए वेरी सिस्टमेटिक एंड इन ए वेरी सिग्निफिकेंट मैनर्स। क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन को रॉ फॉर्म में टॉप मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो टॉप मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप उनको सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली और किसी जो हमारी अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स के अंतर्गत अगर आप उनको प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो हमारा कंपैरेटिव फॉर्म्स है, चाहे वो हमारा यू नो ट्रेंड एनालिसिस है, तो काफ़ी सारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को प्रेजेंट करने की रेशियो एनालिसिस है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, तो जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन जनरेट की थी, उन इन्फॉर्मेशंस को सही तरीके से, सही तकनीक के माध्यम से टॉप मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करना जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, ताकि टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए लोग जो है उन इन्फॉर्मेशंस के वजह से, उन इन्फॉर्मेशंस को यूज करके वो जो है राइट पर्सपेक्टिव्स में डिसीजन ले सकें। थर्ड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है, उस एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स की भी कॉस्ट अलग अलग क्या है, तो वो चीज़ें जो है हमारे को कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आपकी रॉ मटेरियल पे ये कॉस्ट है, आपकी जो है लेबर के ऊपर ये कॉस्ट है, ओवरहेड्स पे ये कॉस्ट है, ताकि हम इन सभी को एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ कंपेयर करके कि रॉ मटेरियल की हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कहीं स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, कितना वेरिएशन आ रहा है और वो वेरिएशन किस वजह से आ रहा है, तो उन रीजंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है और फिर जो है डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि उन जो वेरिएशंस को, जो वेरिएंसेज आ रहे हैं उन वेरिएंसेज को दूर किया जा सके। देन टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग में अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS है, जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी एम्प्लॉयज की जो है सारी रिटर्न्स तैयार करना, उनकी टैक्स टाइम पे काटना, टैक्स टाइम पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना, तो जितने भी टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे के सारे जो है वो टैक्स अकाउंटिंग का पार्ट है। रिटर्न्स को टाइम पे सबमिट करना, जो TDS काटा गया है उसको टाइम पे काटना, ठीक रेट से काटना, टाइम पे जमा कराना, तो जो टैक्स कंप्लायंस का जो पार्ट है वो टैक्स कंप्लायंस जो है वो टैक्स अकाउंटिंग के अंतर्गत ही आता है और टैक्स अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। देन फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग डील्स विद द लीगल इश्यूज फेस्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज, सच एज क्लेम सेटलमेंट एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे अभी आपने देखा होगा सत्यम कंप्यूटर में भी हुआ है ना, पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है, घोटाला हुआ है, और बहुत सारे PFC बैंक हैं, और सारे आपने एनरॉन का बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल सुना होगा। तो इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो है ऐसे लीगल इश्यूज को डील करती है, चाहे वो क्लेम सेटलमेंट करना, अगर मान लो क्लोजर डाउन हो रहा है, कोई टेक ओवर कर रहा है, तो उसका क्लेम सेटलमेंट क्या होना चाहिए, और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन,
फॉर्म में कोई फ्रॉड होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फोरेंसिक अकाउंटिंग का पार्ट होती हैं। यानी कि जहाँ पे हमारा ऑडिट का काम कंप्लीट हो जाता है, तो ऑडिट का काम जहाँ कंप्लीट होता है उसके बाद जो है वो आपका ये फोरेंसिक अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। सोशल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सस्टेन करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से प्रोक्योर करनी होती हैं, तो जब वो बहुत सारी चीज़ें अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए एनवायरनमेंट से प्रोक्योर करता है, तो हमारी भी उस बिजनेस की, फर्म की, ये एक एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, उस एनवायरनमेंट को कुछ दें, उस एनवायरनमेंट के ऊपर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट हैं वो पॉजिटिव्स हों, नेगेटिव्स ना हों। हम उस सोसाइटी से जो ले रहे हैं तो उसके लेने के बदले हम सोसाइटी को कुछ दें, जो जो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। चाहे वो हम ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ओपनिंग अप ऑफ स्कूल्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल अकाउंटिंग का पार्ट हैं। पोल्यूशन को कम से कम मिनिमाइज करना, हमारा जो सोसाइटिकल एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट होने से बचाना, तो ये सारा सोशल अकाउंटिंग का पार्ट है। देन इंटरनेशनल अकाउंटिंग, सो इट डील्स विद द इशूज एंड कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व्ड इन डूइंग ट्रेड इन वर्ल्ड और इंटरनेशनल मार्केट्स। तो अगर जो आज आप WTO की बात करते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, तो वो पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, ताकि उस विद इन दैट पर्टिकुलर फ्रेमवर्क जो वर्ल्ड के सभी कंट्रीज हैं वो फ्रीली जो है उनकी बिजनेस की मूवमेंट हो सके, और जो है इंटरनेशनल मार्केट जो है वो एक मार्केट बन सके, कोई भी कंट्री उस इंटरनेशनल मार्केट का जो है वो स्टडी कर सकता है, उस इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर सकता है, एग्जिट कर सकता है। तो जो एक्सेस है वो इंटरनेशनल मार्केट का, दैट एक्सेस मस्ट बी ओपन टू ईच एंड एवरी कंट्री, सो दैट कम्स अंडर इंटरनेशनल अकाउंटिंग। देन एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, द फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स। तो जैसा कि आपको बताया था कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करना इज वन एडवांटेजेस, कि उनको सही तरीके से जब भी हम कोई रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन के बारे में जानना चाहें तो जान सकते हैं। देन प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं अकाउंटिंग के बेसिस पे। देन कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, अकाउंटिंग की वजह से ही हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं, फर्म्स के जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को कंपेयर कर पाते हैं। देन डिसीजन मेकिंग, सो डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। सो अकाउंटिंग यू नो प्रोवाइड अस ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच डिसीजंस आर टेकन। देन एविडेंस इन लीगल मैटर, सो इफ एनी लीगल इश्यूज टेक्स प्लेस देन इट इज ओनली अकाउंटिंग दैट provides the evidence, and any evidence provided by the accounting is well recognized in the law of the court. Then provides information to related parties. तो जैसे आपको बताया कि जितनी भी related parties हैं, चाहे वो employees हैं, चाहे वो lenders हैं, चाहे वो आप financial institutions हैं, चाहे वो regulatory bodies हैं, चाहे वो suppliers हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो ओनर्स हैं, चाहे वो मैनेजर्स हैं, तो उन सब को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी अकाउंटिंग की वजह से ही हो पाती है, और अकाउंटिंग ही सभी को जो है जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो प्रोवाइड कराती है। देन हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर, तो अकाउंटिंग अगर हमारा सिस्टम्स ठीक है, अगर हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो उससे हमें अपने टैक्स इश्यूज को सेटल करने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि उसमें फिर कोई एम्बिगिटी नहीं होती। जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं या जो लॉसेज होते हैं वो प्रॉपरली कैलकुलेटेड होते हैं, और जब प्रॉफिट्स और लॉस हमारे प्रॉपरली कैलकुलेट किए जाते हैं तो उसके बेसिस पे जो हमारे टैक्स लायबिलिटीज बनती है वो भी प्रॉपर टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है। और जब सारी चीज़ें ठीक होती हैं, तो सारी चीज़ें हमारी ठीक तभी हो पाती हैं जब हमारा अकाउंटिंग सिस्टम रॉबस्ट होता है, जब हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस को हमने प्रॉपरली
फॉलो किया होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस को एक बहुत हॉलिस्टिक वे में और बहुत ही रिलीजियसली हम उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो जो है वो सारी की सारी चीज़ें हमारे को टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको सेटल करने में हमारी मदद करती है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो सबसे पहला है मेजरेबिलिटी। तो मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि केवल जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उनको ही मेजर किया जा सकता है, बाकियों को नहीं किया जा सकता, नो फ्यूचर असेसमेंट। तो अकाउंटिंग जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है वो आपको करंट से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड जो है आपको सिस्टम जो होता है वो हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो जो इन्फॉर्मेशन पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड होती हैं उनके बेसिस पे फ्यूचर असेसमेंट करना कई बार बहुत रिस्की हो जाता है। जैसे कि इसमें आगे दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पर लिए गए कोई भी डिसीजंस जो हैं वो फ्यूचर में सही आएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, हर एक कोई ऐसा रॉबस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है जो हर एनवायरनमेंट में हर सिस्टम में खरा उतर सके। हर कंट्री की अपनी अपनी जो है पॉलिसीज होती हैं, हर कंट्री के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, गैप्स हैं, तो उस वजह से वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है और वो लिमिटेशन एक बहुत बड़ा लिमिटेशन रहता है। और एस्टिमेट्स की अकाउंटिंग के बेसिस पे आप एस्टिमेट्स लगाना, क्योंकि अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब्जेक्टिव होती हैं, उनको वेरीफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और जब तक चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं किसी चीज़ को मैं किसी तरीके से परसीव करता हूँ, उसी चीज़ को हो सकता है अनदर अकाउंटेंट दूसरे तरीके से परसीव करता है, तो ऐसे जब सब्जेक्टिविटी आ जाती है तो एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब एरर और फ्रॉड डिटेक्ट प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं तो उस केस में फिर अकाउंटिंग सिस्टम के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना खतरे से खाली नहीं होता है और हमें जो है बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। देन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे पास दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, एक तो कैश बेसिस और एक एक्रूवल बेसिस। तो जैसा कि फर्स्ट हमारे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड होते हैं, चाहे कैश आया चाहे कैश हमारे से गया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश विल टेक प्लेस। चाहे वो कैश पास से रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है, कोई हमें लेना देना नहीं है। कैश अगर इन्वॉल्व हुआ है, इनफ्लो या आउटफ्लो है, तो उसके आधार पे जो है हम डिसीजन लेते हैं। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आज जो है मैंने 20,000 रुपये का माल उधार खरीदा, तो इस पर्टिकुलर ईयर में मैंने 20,000 रुपये का उधार माल खरीदा है, लेकिन मान लो आज जो है फेब है, मेरा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल से मार्च तक चल रहा है, और मैं फेब में कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ, तो है तो वो ट्रांजेक्शन इस ईयर का, लेकिन वो मैंने उधार खरीदा है या उधार बेचा है, मान लो 2 या 3 महीने का मैंने उधार खरीदा, मान लो आज मैं 1 फरवरी को कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ और 3 महीने के क्रेडिट पे कर रहा हूँ, मान लो 3 महीने के क्रेडिट पे मैंने माल बेचा है, तो पैसा तो मेरे को 3 महीने के बाद मिलेगा, लेकिन ट्रांजेक्शन आज कर रहा हूँ तो इस फाइनेंशियल ईयर का ये ट्रांजेक्शन है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे कैश उसमें कहीं पिक्चर में आए या ना आए, कैश का इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई भी ट्रांजेक्शन जो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है तो वो ट्रांजेक्शन उसी फाइनेंशियल ईयर में डील किया जाना चाहिए। पैसा आपको पहले प्राप्त होता है, या इस अकाउंटिंग ईयर का पैसा आपको 3 महीने बाद मिलता है, या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का पैसा आपको इसी उसमें एडवांस मिल जाता है, तो आपको हमेशा एक्रूअल बेसिस पे कि वो ट्रांजेक्शन किस ईयर से बिलोंग करता है, तो उसके आधार पे अगर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो वो जो सिस्टम होता है वो जो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। इस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश आपका इन्वॉल्व इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में होता है या नहीं होता है इज कंप्लीटली इमटेरियल। देन नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो कंपेरेटिबिलिटी होनी चाहिए। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो अगर उनको कंपेयर नहीं किया जा सकेगा तो डिसीजन लेने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। तो फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबिलिटी, कि जब भी हम चाहें तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को कंपेयर किया जा सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जा सके, ताकि एक पीरियड से दूसरे पीरियड के जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को हम कंपेयर करके डिसीजन ले सकें। अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो दूसरा ये है कि अकाउंटिंग जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको अच्छे से, उनको बड़े सावधानी से और उनको बड़े सरलता से जो है अंडरस्टैंड किया जा सके। अगर जो रिजल्ट्स आ गए हमारे पास और उन रिजल्ट्स को हम समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से, तब भी उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस का कोई पर्पज सर्व नहीं हो रहा है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तभी तो इसका नाम दिया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो जो रिजल्ट्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस हैं वो कंपेरेबल होने चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। थर्ड, रिलायबिलिटीज, वो रिलायबल होने चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा अकाउंटिंग सिस्टम रॉबस्ट नहीं होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने फॉलो की है वो रिलायबल नहीं होगी, जो डेटा कलेक्ट करने के जो सोर्सेज हैं वो रिलायबल नहीं होंगे, तो उनके बेसिस पे लिए गए डिसीजंस भी रिलायबल नहीं हो सकते। देयरफॉर जो है वो हमारी जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहती है कि वो इन्फॉर्मेशन, हमारी जो रॉ इन्फॉर्मेशंस हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, ताकि हम उनके बेसिस पे डिसीजंस अच्छे से ले सकें। दी लास्ट वन इज रेलिवेंस, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो डिफरेंट जो हमारे स्टेक्स होल्डर्स हैं, जो डिफरेंट यूजर्स हैं, उनके लिए रेलिवेंट होने चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं कि वो उन इन्फॉर्मेशंस की डिफरेंट यूजर्स के लिए कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कोई रेलिवेंस ही नहीं है, चाहे वो इन्फॉर्मेशंस कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, बट इफ़ सच इन्फॉर्मेशंस आर नॉट रेलिवेंट एंड इफ़ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस टू द डिफरेंट यूजर्स, देन सच अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस आर ऑफ नो यूज फॉर द डिफरेंट यूजर्स। देयरफॉर दीज इन्फॉर्मेशंस आर कॉल्ड एज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस। तो मैं अपने लर्नर्स को आज ये बताना चाहूँगा कि जो आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर कम्प्लीट हुआ है, इस सेकेंड लेक्चर्स में जो जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं, सो लेट अस नाउ डिस्कस वट वी हैव स्टडीड टूडे इन आर सेकेंड लेक्चर्स। द फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड देन द सेकेंड वन इज पार्ट्स ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, देन एडवांटेजेज ऑफ अकाउंटिंग, देन लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, एंड देन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंड द लास्ट वन इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो डियर लर्नर्स, thank you very much. This was all about the second lectures of financial accounting.